दोस्तों आपने द डर्टी पिक्चर तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म में विद्या बालन के बोल्ड सीन्स देखकर उस वक्त सब हैरान रह गए थे। फिल्म डर्टी पिक्चर में रेशमा का किरदार निभाकर विद्या बालन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मगर क्या आप जानते हैं कि वो फिल्म द डर्टी पिक्चर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो फिल्म साउथ इंडस्ट्री की एक मशहूर एक्ट्रेस की जिंदगी से प्रभावित होकर बनाई गई थी। क्या आप जानना चाहते हैं उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने अकेले के दम पर ना जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी, जो अपने बोल्ड अवतार से किसी भी फ्लॉप फिल्म में जान भर देती थी। उनके एक बोल्ड सीन को अपनी फिल्म में रखने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें उस दौर के हीरोज से भी मोटी रकम देने को तैयार रहते थे। दोस्तों उस एक्ट्रेस का नाम है विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता। जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने महज 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से भी ज्यादा फिल्में करके तहलका मचा दिया। अपने बोल्ड अदाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाली इस अदाकारा को लोग सिल्क के नाम से भी जानते थे। आइए जानते हैं कैसे टॉलीवुड की आइटम गर्ल ने शराब को अपना हमसफर बनाकर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों यूं तो सिल्क स्मिता एक गरीब तेलुगु परिवार से थी। उनके माँ और पिता किसी तरह का काम करके अपने बच्चों का पेट पाल लेते थे। थोड़ी बड़ी होने के बाद सरकारी स्कूल में सिल्क का एडमिशन कराया गया ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीख ले। लेकिन चौथी क्लास में सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा नहीं कमा सके जिससे वो सिल्क को आगे पढ़ा सकते। माँ बाप के लाख कोशिशों के बावजूद लौटकर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय मात्र 10 साल की थी सिल्क। उम्र में तो छोटी ही थी लेकिन वो दिखने में बड़ी लगने लगी थी। समय से पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ कि खुद उनके माता पिता भी समझ नहीं पाए कि उसकी बेटी कैसे इतनी बड़ी हो गई। सिल्क जिस्मानी रूप से तो बड़ी हो गई थी लेकिन दिमागी रूप से ही अभी भी नादान ही थी। वो एकदम बेफिक्र रहती थी और लोगों की बुरी नजर को भी नहीं पहचान पाती थी। सिल्क की ये बेफिक्री माता पिता के लिए चिंता का विषय था। उनके माता पिता को अब लगने लगा था कि सिल्क जवान हो गई हैं और उसको लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी शादी जल्द से जल्द करनी होगी। इसके बाद उनके माता पिता ने कम उम्र में ही सिल्क की शादी एक मजदूर से करवा दी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई अपनी बुरी किस्मत से चाहे कितना भी भाग ले, लेकिन बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती। ऐसा ही हुआ सिल्क के साथ। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची थी वहां भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति अव्वल दर्जे का शराबी, और शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था, और उसके बीच की लड़ाइयों का जिम्मेदार उसके घर वाले सिल्क को ही मानते थे, और कभी कभी तो उसका देवर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश भी किया करता था। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और अपनी इज्जत को खतरे में देखकर सिल्क अपने पति को छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह दक्षिण भारतीय फिल्म की एक अभिनेत्री के यहाँ पे नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। सिल्क बचपन से फिल्में देखने की शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्में देखने का मौका मिलता था वो अपनी दुनिया को छोड़कर बस फिल्में दुनिया में ही खो जाती थी। इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा एक अलग करने की थी। सिल्क भी घर के काम बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी सिल्क ने बहुत ही अच्छे से संभाला। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी थी। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार करने का काम भी सिल्क ने करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करने का सिल्क को एक और फायदा हो रहा था। उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों से उसकी जान पहचान बढ़ने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत इंप्रेस हुई और वो दूर ही खड़े होकर उस कार को निहारने लगी। उस पर उसकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन के बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी ही गाड़ी में बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सिल्क फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो किसी एक्टिंग स्कूल तो नहीं गई और न ही कोई और कहीं से एक्टिंग सीखी थी, बस वो ऑडिशन देखकर ही चीजों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में कुछ इस तरह के बोल्ड अदाएं दिखाए कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उसका क्रेज लोगों में इतनी तेजी से बढ़ा कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। वैसे तो सिल्क को कई फिल्मों में देखा जा चुका था लेकिन वर्ष 1979 में आई तमिल फिल्म वंदी चक्रम में दर्शकों के बीच सिल्क की एक अलग ही पहचान बना दी। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आई। साल 1989 में इस फिल्म का
प्रेम प्रतिज्ञा नाम का हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए। यहां से सिल्क की करियर ने एक ऊंची छलांग मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए अपनी फीस के तौर पर लिया करती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकते हैं। सिल्क का नाम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि उनका काम अब सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था, वो फिल्मों में छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। उस दौर में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने कलाकार कमल हसन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। साल 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना एक जरूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और ये फिल्म 1982 में आई तमिल फिल्म मुंद्रम पोराई का रीमेक थी। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वो इस फिल्म में कुछ तड़कता भड़कता हॉट सीन फिल्माना चाहते थे और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि फिल्म का मेन एक्टर कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाए, लेकिन उस समय श्रीदेवी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। जिसके बाद कमल हासन और श्रीदेवी के बीच बोल्ड सीन संभव ना हो पाने की सूरत में इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क के इस फिल्म की दुख भरी फिल्म में भी रंग भर दिया। वो कहते हैं ना, जब शराफत के कपड़े उतारते हैं ना तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। ऐसा ही हुआ फिल्म के साथ और फिल्म देखते ही देखते हिट हो गई। इस फिल्म के बाद सिल्क ने अपनी इमेज इतनी बोल्ड बना ली थी कि उन्हें एक के बाद एक बोल्ड सीन वाली मूवी के ऑफर आ रहे थे। उन्होंने ऐसे ही सैकड़ों मूवीज में बोल्ड अदाओं से लोगों के बीच तहलका मचा रखा था। वो भी अब जान चुके थे कि उन्हें सिर्फ उनके जिस्म दिखाने के लिए ही जाना जाता है। जिन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहा कि वो एक तो अदाकारा बनने आई थी, लेकिन वो सिर्फ हुस्न दिखाकर मूवी में तड़का लगाने का एक साधन भर बन के रह गई। दोस्तों, एक कहावत है जो बहुत ही मशहूर है, जो जिस रफ्तार से ऊपर जाता है उसको उसी रफ्तार से भी नीचे आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ सिल्क के साथ भी। एक दौर ऐसा भी आया जब लोग उनके काम से उब गए थे, जिसके बाद उन्हें मूवीज में भी काम कम मिलने लगे और एक दिन ऐसा है कि उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने भुला ही दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्होंने बी ग्रेड मूवी में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आलम यह था कि एक समय अपने बोल्ड अदाओं की वजह से पहचान बनाने वाले इस एक्ट्रेस की बी ग्रेट मूवी को देखने के लिए लोग टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे। कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन कहते हैं जिस्म को दिखाकर कोई कितने समय तक टिक सकता है। लोग अब यहाँ पर भी उनसे उबने लगे थे। उन्हें जो देखता था वो देख चुके थे। इनकी बुरी किस्मत ने उनका साथ यहाँ पर भी नहीं छोड़ा और देखते ही देखते यहाँ से भी काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद एक्टिंग को छोड़ फिल्में बनाने की दिशा में हाथ आजमाया। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी की, जिसकी मदद से सिल्क ने फिल्मों में थोड़ा बहुत पैसा लगाया। हालांकि जिस तरह दर्शकों ने उसे नकार दिया था, उसी तरह से उनकी बनाई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत ही निराश हो गई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपना जीने का जरिया बना लिया। अंत में 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर में पंखे पर लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने छानबीन में उसकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस बंद कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना था कि उसकी मौत के पीछे की वजह कुछ और ही है। दोस्तों, 2011 में एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म द डर्टी पिक्चर बनाई थी। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया और सिल्क की भूमिका निभाई अभिनेत्री विद्या बालन ने। यह फिल्म सिल्क के भाई वी नागावर प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और इस पर उन्होंने सवाल उठाया। उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कह दिया कि फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। इसके बाद कन्नड़ भाषा में डट्टी पिक्चर सिल्क सक्कत मागा नाम की एक फिल्म बताई गई, जिसमें सिल्क का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री बीना मलिक ने निभाया। सिल्क के जीवन पे ही मलयालम भाषा में भी क्लाइमेक्स नाम की एक फिल्म बन चुकी थी। इस फिल्म में सिल्क के रूप में सना खान नजर आई। दोस्तों, इस तरह 18 सालों तक साउथ इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस एक पहेली बनकर दुनिया से चली गई। अब उन्होंने दुनिया को खुद अलविदा कहा या फिर उनका मर्डर हुआ, ये आज भी एक पहेली है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।